एक टनल का खड़े हुए और मैंने 50 लोग भी क्लिक किए तो वो आप लोग को इंस्टाग्राम पे कि टनल है अभी अंदर चलते हैं इसके और हम लोग बाहर रुके हैं थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी थी। अभी 10:30 बज रहे हैं दिन के और अभी अभी मैं आता हूँ क्योंकि रात को देर हो गई थी, 3 बज गए थे रात को जिसको मैंने दिखाया था आप लोगों को। और अभी व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज का प्लान हमारा, आप ड्राइवर अंकल से सुनें तो उनसे सुनाता हूँ, वो और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, हमें भी गाइड से तो और व्यू कुछ ऐसा है हमारे होटल से। ये सवाद मॉल है जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था, सवात मॉल, और क्योंकि सवात के अंदर हर जगह व्यू ही व्यू मिलता है जैसे कि मैंने आप लोग को बोला। यहाँ से सामने पहाड़ों के व्यू नज़र आ रहे हैं और वो देखें सामने ही पहाड़ी पहाड़। गाइस अभी अभी मैं होटल की रूफ पर आ चुका हूँ और यहाँ से देखें बादल नज़र आ रहे हैं, वो रहे बादल। गाइस अभी हम लोग अंकल के पास आ चुके हैं, तो आज हमारा क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? आज हम यहाँ होटल से निकलेंगे अभी फैजागढ़। अच्छा ठीक है, रिवर पार्क है। अच्छा और मार्केट है, उसके बाद हम जाएंगे मालम जबा। अच्छा ठीक है, मालम जबा चेयर लेट है, वहाँ से वापसी आके इंशाल्लाह हमारा स्टे होगा डेरे। गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूं, अभी अपने राइड को कंटिन्यू करते हैं सुबह। सो गाइस फाइनली लीविंग होटल, हम लोग सवात पर ही हैं और पार्क में जा रहे हैं। ये पार्क है तो पार्क के अंदर चलते हैं, अभी पार्क बना हुआ है एक। गाइस रिवर हियर और दरिया से मत आके बिल्कुल ये अभी नीचे चलते हैं यहाँ से, ये जो सीढ़ी यहाँ से नीचे। गाइस रिवर का बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम लोग और हाथ लगाते हैं, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंड। अभी बीच के अंदर चलते हैं, पानी के बीच के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है रिवर का, बहुत ज़्यादा साफ पानी भी है, बहुत ठंडा पानी है। अभी चलते हैं वापस और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिलेगी। मैंने सवात रिवर से ऊपर आ चुके हैं और बस अब कहीं नहीं रुकना, बस सीधा मालम जब्बा जाना है। यहाँ पे बैड लक चेयर लिफ्ट भी बंद है, ऊपर जिप लाइन भी बंद है और यहाँ पे एक असल में लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया, झगड़ा हो गया ये बोल रहा है मैं ऐसा। और हम जा तो सकते हैं पैदल पैदल, इस सीक्रेट रास्ता है कि ये सीक्रेट रास्ता वो बंदे लेके जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जब तक पहुँचे कि रात हो जाएगी फालतू वो जा रहा है। अच्छा बात ये तो इससे अच्छा जो ना वो कर लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ऐसे तस्वीरें वगैरह खिंचवा लेते और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे ये। और अभी हम लोग अंदर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने मना कर दिया ऊपर जाते वरना स्टेल के अंदर बैठ के इसका। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, तू कोई भी टेंशन नहीं ले रही, अभी चलते हैं बहरी की और बाकी नाइट स्ट्रीट्स वगैरह भी हैं वो भी दिखाते, तो अभी चलते हैं बहरीन वाइट आउट करेंगे थोड़ा। अभी होटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं व्यू वगैरह चेक करते हैं रिसेप्शन, और यहाँ से आवाज आ रही है सरप्राइज रिवर की। गाइस ये है रिवर, ये देखें इतना कुछ नजर नहीं आ रहा होगा खास पर दिन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। रूम्स कुछ ऐसे इसके होटल के और
गाइस आज का ब्लॉग कहीं पर एंड कर तो है गाइस आई होप यू वॉच माय ब्लॉग कीप सपोर्टिंग मी सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग और सुबह मैं आपको को व्यू दिखाऊंगा बहुत ज्यादा ऊपर किस्म का व्यू आने वाला है बहरीन में बहरीन की स्ट्रीट्स पे हम लोग चल रहे हैं अभी और अभी हम लोग आए खाना खाने ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया तो इसका आगे थोड़ा सा क्लिप डाल दूंगा खाना खाने जा रहे हैं अभी हम लोग तो इधर है कितना खूबसूरत है इतना अच्छा लग रहा है मुझे गाइस आज का हमारा डिनर है डुम्बा खाएंगे जो कि यहाँ पे 1700 रुपये के जी है और डुम्बे की कढ़ाई खाएंगे आज हम लोग डुम्बे का डिनर है आज का और कुछ ऐसा सीन था ऐसा मैं ब्लॉग बनाना नहीं चाहता था कंटिन्यू करना नहीं चाहता था क्योंकि बस थक गया था मैं भी पर अभी आए हम लोग डिनर करना है तो बना रहे हूँ ब्लॉग और अभी कढ़ाई बनवाते हैं इसको कटवा के डुम्बे वगैरह डुम्बा